शीतलपुर निवासी दीपक कुमार हरिजन बीते 13 जुलाई से लापता है। पत्नी शोभा देवी ने रविवार को मुफस्सिल थाना पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि हर दिन तरह इनका पति 13 जुलाई को भी मोटरसाइकिल से गिरिडीह सदर अस्पताल काम करने के लिए गया था। जब शाम को वापस घर लौट कर नहीं आया तो उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया, उस वक्त मोबाइल बंद मिला। फिर सदर अस्पताल जाकर अपने स्तर से खोजबीन की गई तो सदर अस्पताल का कर्मियों ने बताया कि दीपक काम करने तो आया था पर वह दोपहर लगभग 3 बजे यहां से निकल गया। फिर इन लोगों ने अपने रिश्तेदार के पास भी खोजबीन की, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तब जाकर गिरिडीह मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से खोजबीन की गुहार लगाई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा देवी। कहाँ से आई? हमारे कहा टोली से। क्या मामला है? मामला पति तो 14 तारीख से गायब है, मतलब बोले ड्यूटी से 9:30 बजे ड्यूटी गए, 9:30 बजे ड्यूटी गए, उसके बाद से फोन करे तो मोबाइल स्विच ऑफ, बात कुछ नहीं। 3 बजे से पूरा खोजा खोजी हो रहा है तो बोला कि जो जहाँ ड्यूटी करते वहाँ बोले कि तो निकल गया है और वहाँ से नहीं आए घर। हम लोग पूरा मतलब आज एक सप्ताह हो गया, हम लोग सारा जगह पुलिस थाना गए, वहाँ पर भी जाकर फायदा लोग जाते हैं तो उन लोग बताइए कि भाग गया है औरत लेके, तो मैंने आ जाइए कल आइए परसों, ऐसे करते करते आज 8 दिन हो गया तब हम आप लोग के पास आए। ड्यूटी कहाँ करते थे? सिटी सदर अस्पताल। कौन बोल रहे थे कि भाग गए लेकिन? वही लोग बोल रहे थे, उनसे लोग जो है वही लोग। इसको लेकर थाना में आवेदन दिए? आवेदन तो यही वाला है सर, आवेदन देने के बाद बोल रहा आ जाएगा अपने से। सर आप लोग पास आए, आप लोग आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अरे बाबू आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा, उधर क्या मांग करते हैं आप लोग पुलिस प्रशासन से? जिला प्रशासन से मेरा पति जहाँ भी है उसको सही सलामत ढूंढ के मेरे पास ले आइए, बस यही हम आप लोग मांग करते हैं। तीन को मेरा बेटी है, तीन को बेटी कौन देखेगा मेरा? आज ही छोड़ के चल गया है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, घर भाड़ा देना है, स्कूल है, ट्यूशन है, कहाँ का हम देंगे वो सर। इसीलिए आप लोग मेरा मदद करिए, ला दीजिए मेरा पति को ढूंढ के।